सलाम नमस्ते, मैं हूँ रवि यादव और आप सभी लोग मुझे प्यार से चंबल बॉय कहते हैं। और ये वीडियो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। मेरा दिल तो नहीं किया था कि वीडियो बनाऊं, क्योंकि जो मैंने कहा था कि आपको माफ़ी मांगना चाहिए, उन्होंने सॉरी मांग लिया था, तो मुझे खुशी हुई थी कि किसी को अपनी गलती का एहसास तो हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, कुत्ते की दुम जो टेढ़ी होती है वो हमेशा टेढ़ी ही रहती है। भोजपुरी ये वही संतोष रेणु यादव है जिन्होंने कुछ वक्त तक पहले खेसारी जी को बहुत कुछ गलत बलत बोला था, फिर सॉरी बोल दिया, उसके बाद फिर वही बोला। और ये वही संतोष रेणु यादव है जिसने एक समय पर पवन जी को कहा था कि भोजपुरी जिसने बदनाम किए वो पवन सिंह जी हैं। ये वही संतोष रेणु यादव है जिन्होंने हमारे भोजपुरी के शान सुपरस्टार सिंगर पवन जी को पियक्कड़ बोला था। तो एक नंबर के दोगला इंसान है। और प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा, इससे खेसारी जी की बदनामी नहीं हो रही है, इससे किसी की बदनामी नहीं हो रही है, इससे सिर्फ बदनामी दो लोगों की हो रही है, पहली तो भोजपुरी भाषा और दूसरा संतोष रेणु यादव, आप खुद की बदनामी हो रही है। आप कितना भी गाली दे लो, आप कैसे संस्कार हैं आपके, आप अपनी ज़ुबान से जब भी कुछ बोलते हो तो सिर्फ गाली बोलते हो, आप क्या गाली खाते हो क्या, जब चलते हो तो गाली देकर चलते हो क्या, जब मंदिर में पूजा करते हो हाथ जोड़कर तो गाली देते हो क्या, शर्म आनी चाहिए आपको। भोजपुरी भाषा को कितना बदनाम करोगे आप, इस मैटर को ख़त्म होना चाहिए। और प्लीज़ किसी की तबीयत ख़राब है उस पर आप अपना नाम मत कीजिए, जैसे आपका नाम बढ़ नहीं रहा है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख आप अगर व्यूज़ पा रहे हो तो इससे आपका नाम नहीं बढ़ रहा है, इससे आपका नाम ख़राब हो रहा है। और एक सलाह और दूंगा आपको, अगर आप पहले किसी स्कूल में जाके एडमिशन लीजिए, शिक्षा क्या होती है उसके बारे में पता कीजिए, कैसे संस्कार होते हैं, क्या बात करना चाहिए क्या बात नहीं करना चाहिए उसके बारे में आप जानिए। अगर स्कूल में जाने के लिए आपके पास फीस नहीं है तो रवि यादव आपको फीस देगा, लेकिन आप पढ़िएगा ज़रूर और प्लीज़ इस टॉपिक को बंद कीजिए। थैंक यू सो मच।